सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं नामचिक। सो लेट मी टेल समथिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट नामचिक। नामचिक ये आपका बॉर्डर, पूरा अरुणाचल के बॉर्डर में पड़ता है। अगर आप तिनसुकिया से जागरूक होते हुए आओगे तो फर्स्ट प्लेस यू गेट ऑफ अरुणाचल इज नामचिक। तो आपको मैं आज नामचिक लेके जाऊँगा, उनका वो जगह का ब्यूटी दिखाऊँगा, क्या लैंडस्केप्स हैं वहाँ का। और स्पेशली ये वीडियो आज के टॉपिक इसीलिए है क्योंकि मॉर्निंग को मेरा एक कॉल आया था कि मुझे एक टीम ने वेलकम किया है। तो एक्चुअली उनका पर्पस ये है कि द वन एंड ओनली पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड पुलिस इज दैट वॉलेंटियर्स ऑन, समझ गया? मतलब दे आर द वॉलेंटियर्स हु आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम COVID-19। दे आर जस्ट एक्टिंग एज ह्यूमन सैनिटाइजर्स फॉर अस। दे आर देयर जस्ट फॉर आर प्रोटेक्शन। So I'm thinking of that showcasing to everyone this how they are doing their activities, कैसे वो काम कर रहे हैं, किस तरह वो लोग checking करते हैं। तो आप लोगों में ज़रा सा एक झलक दिखाऊंगा और आपको नामचिक का शेयर कराऊंगा, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा। और मेनली ये वीडियोस उनके लिए ही है और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सारे के सारे लोग देखें कि ये रीज़न क्या है दैट अरुणाचल क्यों इतना सेफ है। अरुणाचल में स्टील मतलब जितना COVID-19 केसेस बाहर स्टेट्स में हो रहा है उतना पिक में राइस अरुणाचल में नहीं कर रहा है। जस्ट द रीज़न इज दैट क्योंकि ये वॉलेंटियर्स जो हमारा जो पुलिस में है जो दे आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर अस, उन वो सब मतलब जस्ट एक बैक हमारा बैकबोन स्टैंड में खड़ा हुए हैं। तो वो कर रहे हैं जितने सारे एंड द पुलिस मैन आई सैल्यूट ऑल द पुलिस मैन, दे आर डूइंग देयर वर्क ट्रेमेंडसली। तो उन सब का बैक एक सपोर्ट हमेशा किसी ना किसी को चाहिए होता है। तो पुलिस आर हैविंग अ बैकअप ऑफ दिस वॉलेंटियर्स बिकॉज ऑफ दिस वॉलेंटियर्स आर वर्किंग। So let me take you to this volunteers. We'll be showing various types of activities going there. मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे activities वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। तो ये हम लोग खटान में ही है, खटान से अपनी बुक कर रहे हैं। चलते हैं साथ में और कुछ दिखाते हैं आपको खटान का नज़ारा। आई हैव रिच नामचिक राइट नाउ। तो मैं उन सब के मिलूंगा अभी। फिलहाल तो आपको यहाँ का नामचिक का पूरा नज़ारा दिखाने वाला और प्लस मैं मिलूंगा जो हमारे फ्रेंड्स मुझे इनवाइट किए थे यहाँ पे, बुलाए थे उनके थोड़ा शोकेस करने के लिए, उनको जो काम कर रहे हैं द इनिशिएटिव दे आर डूइंग इट्स ऑसम एंड ट्रेमेंडस। और मैं आपको दिखाने वाला ये मेरा फ्रेंड है जो मुझे वेलकम किया है, दिस आर द गाइस दे हैव वेलकम मी। तो आप लोग मतलब कब से मतलब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कितना दिन हो गया है? दो महीना ज़्यादा ही हो गया। दो महीना ना। तो दोस्तों ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मतलब टोटली असम से इन्फिल्ट्रेट हो सकता है बहुत सारे लोग। जागुन इज़ वेरी नियर टू दिस, लेस देन 10-15 किलोमीटर से उतना मैं यहाँ पे पहुँच जाता। तो फिर पीपल से द पीपल पुलिस मैन आर द बैकबोन राइट, बट बिहाइंड द पुलिस मैन देयर इज समवन दैट इज प्रोटेक्टिंग दिस अरुणाचल प्रदेश, दे आर द वॉलेंटियर्स ऑफ नामचिक। तो यहाँ पे नामचिक में ऐसा नहीं कि नामचिक के सिर्फ लोगों यहाँ पे बना रहे मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे, बहुत सारे बस्ती से लोग मिलके एक साथ मतलब ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हैं।
जस्ट बिकॉज द प्लेस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम COVID-19, क्योंकि ये कोरोना वायरस ऐसा पेंडेमिक है दोस्त कि हर मतलब यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, राइट? आप लोगों को पता ही चल गया बहुत सारे स्टेट में कैसा मल्टीपल टाइप्स में राइज हो रहा है ये केस. लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, नमचिक एंड अरुणाचल प्रदेश सच अ स्टेट वेयर स्टील मतलब ये 100 भी नहीं पहुँचा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ दिस गाइज. मैं पूरा थक चुका हूँ, गर्मी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है. तो लेट अस टेक यू टू देयर कैंप्स, दे आर वर्किंग सो हार्ड, और जिस तरह वो ये काम कर रहे हैं इट्स सैल्यूट टू देम गाइज. तो मैं आपको थोड़ा नामची का तो व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो लोग चेक कर रहे हैं. तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे खाली है तो मैं आपको कुछ कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ. तो चलिए देखते हैं. नामची गाइस, यहाँ का ब्रिज है जिससे मतलब ये आसाम बॉर्डर उधर पड़ता है एंड दिस वन द अरुणाचल बॉर्डर हियर, ठीक है. सो दिस आर द वॉलंटियर्स और बाकी सब तो रेस्ट कर रहे हैं, वो शायद उनका कैंप है. देखिए किस तरह वो कैंप में रह के हम लोग के लिए इतना ड्यूटीज कर रहे हैं डे एंड नाइट. और उस पार में बहुत सारे लोग गाड़ी रखे हुए हैं एंड दिस इज द रिवर, यू कैन हैव अ वॉच. सो गाइस अब चलते हैं उनके साथ, देखते हैं उनका काम क्या क्या है क्या नहीं है. तो विल बी टेकिंग विथ देम. मैं पूरा फुल्ली मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे विदाउट मास्क पीपल आर नॉट अलाउड, सो आई विल बी वेयरिंग द मास्क विथ फुल प्रोटेक्शन. तो चलिए. तो दोस्तों हम अभी चलते हैं उनके कैंप में जहाँ पे वो लोग अभी फ़िलहाल तो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये शिफ्ट वाइज होता है, राइट? हाँ, तो दो दो शिफ्ट होता है शायद. कितना शिफ्ट होता है आप लोग का? अच्छा अच्छा, तो अलग अलग शिफ्ट होता है. तो चलते हैं पहले उनके कैंप में जाते हैं. चलिए चलते हैं. तो वी आर गोइंग टू द कैंप. दिस इज द कैंप. इतना छोटा कैंप में वो लोग इतना हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं. तो विल बी रीचिंग हियर. दिस आर द गाइज वर्किंग सो हार्ड डे एंड नाइट फॉर अस. तो फ्रेंड्स हम उनके अभी फिलहाल कैंप में हैं, तो उनके जो यहाँ पे लीडर हैं तो उनसे ही तो थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है. लीडर, वैसे आपका नाम? किंजुंग गाजा. आप लोग ये इनिशिएटिव मतलब कब से स्टार्ट किए हैं? अप्रैल 18 तारीख से स्टार्ट किए हैं. अप्रैल 18 तारीख से ना, मतलब किसके कोई मतलब किसी से सजेशंस लेके स्टार्ट किए हैं फिर मतलब खुद से ही एक इनिशिएटिव है ये? एक्चुअली पब्लिक लीडर लोग की तरफ से भी वो बोला गया है और हम लोग भी खुद अपना सोसाइटी को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग भी आगे निकल के आए हैं. अच्छा अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये. तो जैसे COVID-19 के सब लोग सुन रहे तो बढ़ रहा है ना जी, और अरुणाचल में तो उतना अभी हम लोग उतना कैपेबल भी नहीं है. अगर बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कवर करने के लिए कैपेबल नहीं है. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो ये देख सकते हो आप लोग, ये मेंबर्स लोग हमारे लिए दिन रात अलग. आप लोग का अलग अलग शिफ्ट होता है जी? जी अलग अलग शिफ्ट. मतलब आप लोग का ड्यूटी कितना आवर्स का होता है ये पहला शिफ्ट? अभी हम लोग दो ग्रुप में बांटा है. अच्छा. एक ग्रुप सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, फिर नेक्स्ट डे फिर एक ग्रुप आएगा दूसरा ग्रुप. फिलहाल अभी दो ग्रुप में बांट के काम. सुबह 6 बजे से 10 बजे तक? जी रात 10 बजे तक. माय गुडनेस, लुक एट दिस मैन, दे आर वर्किंग सो हार्ड. तो दोस्त देख सकते हो आप लोग, दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टिल नाइट 10 PM. तो आप लोग सोच सकते हो इतना तो ड्यूटीज कोई करता भी नहीं है, बट only for a protection this guys are giving their life. They are sitting in such a small places they are staying here. देख सकते हो आप लोग, अच्छा से कंडीशन भी अच्छा नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा अरुणाचल सेफ रहे इसी कारण में मतलब मोर देन 12 आवर्स दे आर वर्किंग. आप समझ सकते हो, मतलब ये एक मैसेज है सभी के लिए कि मतलब दिस डिजीज इज सच ए वर्स दैट इट कैन टेक kill a generation, you know, it will end a generation. तो before that मतलब हम लोग को पता है बहुत सारा हमारा इवन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं है कि हम लोग ये बीमारी अगर बढ़ जाए तो फिर उतना टैकल कर सके. तो थोड़ा ध्यान दीजिए. बहुत लोग जो साहसी लोग दिखाते हैं अपने आप को बाहर निकल के, प्लीज़ बाहर ना निकलें, अपने अंदर ही रहिए, सब प्रोटेक्शन कीजिए. ये देखिए हमारा अभी फिलहाल उधर सैनिटाइजेशन का स्टार्ट हो चुका है और बहुत गर्मी इसलिए शायद थक भी गया हूँ. तो उनको थैंक्स करते हैं
इसके लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा जी कैसे वो लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ये वीडियो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसा गाड़ी आता है या फिर सामान बहुत आता है, लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बेंगलोर महाराष्ट्र बाहर से भी बहुत लोग आते हैं नहीं, तो बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं अभी, जैसे कि अरुणाचल के हैं वो लोग तो आना ही पड़ेगा। तो उनको किस तरह से यहाँ पे मेंटेन किया गया है, किस तरह से वो सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये सब सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसके बाद। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे किस तरह हर चीज़ का, हर एक आइटम का यहाँ पे सैनिटाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे सैनिटाइज़र मैन हर एक चीज़ को सैनिटाइज़ करके मतलब भेज रहे, कोई रिक्स लेने का कोई चांस ही नहीं दे रहे यहाँ पे। तो दस हाउ नामचीक पुलिस, द अरुणाचल प्रदेश पुलिस एंड ऑल दिस वॉलेंटियर्स आर वर्किंग सो ट्रेमेंडसली हार्ड सो दैट मतलब एक भी मतलब कोविड 19 का पेशेंट या फिर कुछ भी सामान मतलब हमारे यहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हर एक तरफ से सेफ्टी मेंटेन किया जा रहा है। तो सैल्यूट टू ऑल दिस पीपल, पूरा पूछताछ कर रहा है और सैनिटाइज मार रहा है और इस तरह पूरा गाड़ी एकदम लाइन हो चुका है और उस तरह पूरा मेडिकल स्टाफ अपना काम अच्छा से निभा रहा है। और यहाँ पूरा वॉलेंटियर्स अपना ड्यूटी कर रहा है। ये तो हमार वॉलेंटियर लग ड्यूटी करी आसे धूप दे आरो गेट पार दे पूरा गाड़ी रुखाई दिया आसे वॉलेंटियर लगे पार्किंग स्पेस मेंटेन करी किने पूरा रुखाई दिसे तो पूरा सैनिटाइज मारी किने पठाई आसो वॉलेंटियर लगे। ये तो हमार वॉलेंटियर्स ये तो PPE कपड़ पिंधि कि निजर सेफ्टिर कारण जो मेडिकल स्टाफ लग आसे और यू आम वॉलेंटियर कैम्प आसे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। सो दिस आर द फाइटर्स, कोरोना फाइटर्स। थैंक यू सो मच आप सबको, यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो आप लोग हमारे लिए। दिस फॉर आवर प्रोटेक्शन ओनली, सो थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। दिस द एंड ऑफ आवर वीडियो, वी आर गोइंग आउट राइट नाउ। बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्शन करके और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जितना सके आप लोग शेयर कीजिएगा कि बाहर जो लोग घूम रहे हैं जैसा दिस गाइज आर वर्किंग, मतलब इतना 6 से 10 बजे इट्स नॉट ईजी ब्रदर, घर को छोड़ बार के यहाँ पे आके हमारे लिए इतना रुक रहे हैं, दिस इज़ नॉट ईजी। और बहुत सारे लोग जो साहसिक अपने आप पर ब्रेवरी दिखाते हैं बाहर निकल के द बाई ब्रेकिंग द रूल्स, आई थिंक इट्स सम टाइम ऑफ मतलब मूर्खता बोलते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो, डू एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।